हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मल्लिका कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए प्लीज उसका ध्यान रखना, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हाँ बस बस थोड़ी देर में भी आ रहा हूँ। ओके ओके थैंक यू। वेदा आपने फोन किया था? जी जी मैंने फोन किया था। ये आदमी यहाँ पर ये पता नहीं किसने बेचारे को। आप जानते हैं इसका? नहीं मैं उसे नहीं जानता। लेकिन देखिए सर, आपने कहा था कि जब तक आप नहीं पहुंचेंगे मैं यहाँ रुकूं, तो मैं रुक गया। अब मुझे जाने दीजिए हॉस्पिटल, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में। गोली सीधे सर में लगी है, लगता है अभी भी अंदर ही है। इसका स्कल और ये नाक बुरी तरह से क्रश हुआ है, जबड़ा टूटा नहीं है, पर इसकी पहचान करना जरा मुश्किल है। चेहरा बिगड़ गया, फेस रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए हॉस्पिटल। सॉरी मिस्टर वेदांत, हम आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ये जाने बगैर हम आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। देखिए ये सच है कि आप इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन इस आदमी की मौत आपके कंपाउंड में हुई है, आपके घर में हुई है। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता, कुछ तो बात होगी ना। तो देखो आसपास कोई गनमैन नहीं थी क्या? सर भाई डोंट वरी, मैंने पता किया, भाभी बिल्कुल ठीक है हॉस्पिटल में। सर ये मेरी बहन शायला है, रिसेप्शन का फंक्शन सारा इसी ने ऑर्गेनाइज किया है। हाँ सर हम सब तो फंक्शन में बिजी थे, तभी ये गोली चलने की आवाज सुनी हमने। उसके पहले क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सर 2 दिन पहले मेरी शादी हुई मल्लिका से और आज रिसेप्शन था, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। मल्लिका मेरे सारे दोस्तों से, मेरे कलीग से गुल मिल रही थी। हाँ कुछ लोग थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी मल्लिका से, क्योंकि उनको लगता था कि मल्लिका मेरे स्टेटस की नहीं है। वेदांत ने इस लड़की से शादी की है? कोई और नहीं मिली क्या? कम से कम अपने स्टेटस की लड़की ले आता कोई, पता नहीं किस जोल से उठा लाया है। I'm sure इसी ने इसे फंसाया होगा। लेकिन मुझे इन सब बातों से ना कभी फर्क पड़ा है ना पड़ेगा। तभी मैंने 2 लोगों को पार्टी में आते देखा, एक आदमी एक औरत, हाथ में कैमरा गले में आईडी कार्ड। मुझे लगा होंगे कोई रिपोर्टर टाइप। फिर मल्लिका से बात करने लगे, पता नहीं क्या पूछ रहे थे उसे, लेकिन मल्लिका उनकी बातें सुन के जैसे परेशान सी हो रही थी। वो अंदर चली गई, मैंने सोचा मैं जाके उसे रोकूं। मैं रिपोर्टर्स के पीछे जाने ही वाला था कि किसी ने मुझे बुला लिया। उसके कुछ ही मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई गाड़ी से और हम सब भाग के बाहर आ गए। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया और मल्लिका को हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा वो जो 2 रिपोर्टर रहे थे पार्टी में, वो लोग क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना आप लोगों ने? जी नहीं सर। जी हाँ मैंने सुनी थी बातें, मैं वहीं खड़ी थी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। रिपोर्टर का नाम पैमेला और करण था और वो बॉम्बे क्रॉनिकल टाइम्स के थे। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और कुछ सुना था आप? आपसे कुछ बात की थी उन लोगों ने? नो वो मल्लिका से पता नहीं क्यों अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। तुमने कभी बोट ब्लास्ट के बारे में सुना है? तो जरूर तुमने बोट पे बंदूक के साथ एक आदमी को जरूर देखा होगा। नो प्रॉब्लम, मैं खुद फाइंड कर लूंगी। बेचारी मल्लिका एकदम घबरा गई और अंदर चली गई और कुछ ही देर में गोली की आवाज आ गई। वैसे तो हमने बहुत सारे सरफिरे रिपोर्टर्स देखे हैं और आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी रिपोर्टर बिना वजह ऐसे बेतुके सवाल तो नहीं पूछेगा। तो क्या लगता है कि वो दोनों रिपोर्टर नहीं थे क्या? शायद वो लोग जब अंदर आए थे तो तुम लोग गेट पे ड्यूटी थी ना तुम्हारी, उनको देखा होगा तुमने? गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, जरूर ये अंदर आते हुए दिखेगा। सर उनकी एंट्री रजिस्टर में भी है, अगर आप कहें तो मैं लेकर आऊँ। कह ही रहा हूँ यार लेके आओ ना, ऐसा टाइम बर्बाद मत करो, जाओ।
जी, इस आदमी के जेब में ना तो मोबाइल है ना कोई आईडी है, जेब खाली है। और दूसरी बात, इसके सर पे गोली लगी है पीछे से, और डायरेक्शन के हिसाब से ऐसा लगता है कि गोली घर के अंदर से ही चली है। सब जगह देख लिया सर, कहीं भी कुछ नहीं है। और सर, गन भी वो यहाँ पर छोड़कर नहीं गया घर में, अगर घर में छोड़ा होता तो शायद घर वाले डर जाते। पर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, हमारे घर में तो कितनी सारी गन्स है। गन्स घर में? हाँ, क्योंकि भाई तो गन्स के डीलर है ना। आपने बताया नहीं कि आप गन के डीलर हो? जी, कहाँ रखते हैं अपने ये गन, चलिए दिखाइए। और हाँ, यहाँ पार्टी में आपने जिन जिन गेस्ट को इनवाइट किया था उनकी लिस्ट भी चाहिए। चीफ, चीफ, हेलो, क्या? हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम भी चलेंगे आपके साथ, आपकी वाइफ से मिलने। हो ना हो, इस खून का उनके बेहोश होने से कोई ना कोई संबंध है। मल्लिका की पिछली जिंदगी बिल्कुल खाली, एकदम कोई। इनफैक्ट जिस हॉस्पिटल में मैं ट्रस्टी हूँ वहाँ मल्लिका एक पेशेंट थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था और शॉक की वजह से उसकी सारी याददाश्त चली गई थी। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं, उसे अपना नाम तक याद नहीं। मल्लिका नाम हमने उसे दिया। मैं जब उसे मिला तब वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भरोसा दिलाया मैंने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे मिलते जुलते मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसकी बीती हुई जिंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं था सर, इसलिए मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन सर, जब से मल्लिका मेरी जिंदगी में आई है उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो? सर, पिछले हफ्ते हम सिटी स्क्वायर मॉल गए थे, शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। मैंने आपको पहले कभी देखा है। मुझे पहचाना? मुझे नहीं, मैं नहीं जानती आपको। अरे ऐसे कैसे नहीं जानती, ये देखो झला हुआ मुंह, बोट, याद आया कुछ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जानती आपको। ऐसे कैसे नहीं जानती, मैं जान गया, आप दिया मैडम है ना। आपको कोई गलतफहमी हुई, मेरा नाम मल्लिका है। आप दिया मैडम हो ना, बोट पे आप आए थे ना, आपका बर्थडे बनाने, आपको याद है? नहीं। अरे नहीं कैसे, आप याद करो, ये देखो मेरा झला हुआ मुंह। कोई बात नहीं, चलो चलो तुम गाड़ी में बैठो। वो आदमी फिर कभी सामने आया था? नहीं सर, लेकिन उसके दो दिन के बाद। हेलो, कैसी हो सोनिया? सोनिया, लगता है आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई सोनिया नहीं रहती, रॉन्ग नंबर। रहती है, मुझे पता है, मैं उसी से बात कर रहा हूँ, और जल्द ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे पास, तुम्हें मारने के लिए। विदान, तुम्हारे घर में जो आदमी मरा उसका और इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हो सकता है वो तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए आया या धमकी देने के लिए आया, मगर एक बात तय है कि ये वो आदमी नहीं है जिसके चेहरे पे घाव था। हमने चेक किया, कोई निशान नहीं, पर 100% कोई ना कोई कनेक्शन तो है। काम डाउन, मैं छोड़ दो,
मलिका, are you all right? Relax. तुम हॉस्पिटल में हो और बिल्कुल सेफ हो। मलिका, मलिका, मलिका कैसे तुम? तुम, God, you safe? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर शान, आप कह रहे थे कि वेदांत से कि ये मलिका कुछ बेचैन हो रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या क्या हो क्या रहा था? जी, जब मलिका होश में आई तो कुछ अजीब अजीब बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद तो यहाँ है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। क्या मतलब? ऐसा लग रहा जैसे वो किसी पुराने बुरे हादसे को याद कर रही है या बहुत गहराई से उसको दोबारा जी रही है। मलिका देखो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमने क्या देखा बताओ, क्या सुना? गोली की आवाज से मेरी आंख खुली, जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीज नजर आ रही। एक बोट, एक पर और आदमी और एक और आदमी। उस आदमी के हाथों में दूध थी और दूध में इतना बांधता और ब्लास्ट हो गया। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेडिकेशन की वजह से हैलुसिनेशंस हो रहे हैं? क्योंकि मैं कभी इसे किसी बोर्ड पर लेके नहीं गया, तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हो सकता है तुमसे मिलने से पहले किसी बोर्ड पे गई हो। हाँ, पर तुमने कहा था ना जब तुम इसे मिले थे तो इसे अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। एग्जैक्टली, ऐसा लगता है उसकी कोई पुरानी याद या उसकी पुरानी जिंदगी या कोई पल उसके जहन में फिर से ताज़ा हो रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये भी एक मल्लिका की कहानी का एक हिस्सा है? हो सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी किसी हादसे को, उसकी मेमोरी को अपने अंदर जकड़ के रख लेता है, और जब कभी उस हादसे से जुड़ा हुआ कोई वाकया या कोई चीज़ सामने आती है तो वो हादसा भी दोबारा याद आने लगता है। लगता है तुम्हारा डर सही निकला। मल्लिका की जान खतरे में है। वो आदमी जो तुम्हारे घर में जिसकी मौत हो गई वो इस खतरे से जुड़ा हुआ है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? तभी तो करण और पैमेला मल्लिका से बेतुके सवाल पूछ रहे थे कि तुम कभी किसी बोट पे गई हो या नहीं, या फिर किसी आदमी को बंदूक के साथ देखा या नहीं। ये केस आपस में जुड़ा हुआ है। पहले तो ये पता करना होगा कि वेदांत के घर पे वो गोली चलाई किसने। सर, इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट और लाइसेंस हमारे पास है। अच्छा, यहाँ इस कमरे में कौन कौन आ सकता है? यहाँ वेदांत सर, मलिका भाभी और शैला मैडम, उनके दोस्त आ सकते हैं। कमाल है, सारी बारात आ सकती है। कोई भी इस कमरे में आ सकता है तो कोई भी ये गन निकाल के यूज कर सकता है ना सर? हाँ सर, ये दोनों रिपोर्टर बन के आए थे, सीसीटीवी में पकड़े गए। मीडिया ऑफिस से पता किया सर, तो पता चला कि ये दोनों कोई भी अखबार में काम नहीं करते। नकली रिपोर्टर, ठीक है, पता लगाओ इनके बारे में और ये सारी बंदूकें जब्त कर लो। थैंक गॉड, इसके जबड़े की हड्डी और ये चीक बोन सही सलामत है, वरना तो चेहरा बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता। बाकी खोपड़ी तो पूरी तरह से फट चुकी है, पर खैर इन हड्डियों से इसका चेहरा तो बनाया जा सकता है। इन्हीं में से होगी होगा जिससे इसे गोली लगी है, पता करूंगा। पहले इसका फेस तो बना लूं। मल्लिका को सोनिया के नाम से जो धमकी वाले फोन आ रहे थे,
वो तो पीसीओ से आ रहे थे, वहां से पता लगाना जरा मुश्किल है। और ये आदमी आधा जला चेहरा वाला जो उसको धमका रहा था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं। सुनिए जी, कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? एक मिनट, जरा ये फोटो देखिए। क्या इन दोनों ने आपके यहाँ से कैमरा और माइक भाड़े पे लिए थे क्या? 48 घंटे के अंदर? एक मिनट रुकिए, हम आपको चेक करके बताते हैं। मैं अभी आया। क्या है? अरे खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है। अरे वो तो दीवार पे ऐसे खाली लगा हुआ है। क्या फ्रेडी सर? जी हाँ, ये करण और पामेला है। इन्होंने 48 घंटे पहले हमारे यहाँ से ही माइक और कैमरा भाड़े पे लिया था। आप लोग क्या जानते हो मल्लिका की जिंदगी के बारे में? सब कुछ बताओ। सर, मैं और मेरी पत्नी थिएटर एक्टर्स हैं। शायला ने एक्चुअली हमारी फाइनेंशियली बहुत मदद की है। तो He's right, सर। एक्चुअली हमसे कहा गया था कि मल्लिका से अजीब अजीब से सवाल पूछना। हमने तो बस वही किया। यकीन मानिए, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। प्लीज हम पे विश्वास कीजिए। शायला ऐसा क्यों करेगी? कुछ तो है मल्लिका की बीती हुई जिंदगी के बारे में जो शायला जानती है और हमसे छुपा रही है। इसका चेहरा आप लोग यहाँ? भाई भाभी तो है नहीं घर पे, वो हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए। पता है पता है, हमें उनसे नहीं तुमसे बात करनी है। मुझसे? इसे जानती हो? नहीं सर। और क्या नहीं जानती हो? नहीं सर। अरे ये है हमारे थिएटर का दोस्त। तुमने बताया ना कि तुम एक्टरों को काम भी देती हो। तुम्ही ने पार्टी में इन लोगों को बुलाया था ना मल्लिका से सवाल पूछने और उसे डराने के लिए। अब जल्दी से बताओ, ये सब तुमने क्यों किया? क्या जानती हो तुम मल्लिका के बारे में? हाँ, उसके बीती हुई जिंदगी के बारे में और उस आदमी के बारे में भी जिसकी मौत तुम्हारे घर में हुई है। मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरा मतलब है, मैं मल्लिका के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस उतना ही पता है जितना मुझे उस आदमी ने बताया जिसका चेहरा जला हुआ है। तुम उस आदमी को जानती हो? हाँ सर, जिस दिन उसने मल्लिका को धमकी दी थी मैं वहीं पे थी, और जब भाई मल्लिका को संभाल रहे थे तो मैं उस आदमी के पीछे गई थी। सुनो, क्या है? कौन हो तुम? और ये तो मल्लिका से वो सब क्या बोल रहे थे?
कैसे जानते हो? यह तुम मुझको क्यों पूछ रही है? उसको पूछो ना, वो मलिका बन के घूम रही, उसको पूछो। दिया कौन है वो बताएगी? एक साल पहले क्या हुआ था बोट पे? बोट? हाँ, यह देखो, यह सब उसका नतीजा है। मुझको पूछ रही है कौन है मलिका। मुझे मलिका की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे अपने भाई की फिक्र, और मैं नहीं चाहती उस पागल लड़की की वजह से मैं अपने भाई को खो दूं। सर, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर, मतलब ये तो डेड एंड है। ठीक है, आप जाइए। अब तो एक ही रास्ता है, पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक साल पहले कौन सी बोट पे एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे जितने भी केस हुए हैं ना, सब ढूंढो 10 महीने से 1 साल के बीच में। इसी दौरान वेदांत मल्लिका से पहली बार मिला था हॉस्पिटल में। ओके? यस सर। एक बार ये बोट ब्लास्ट वाला मामला सामने आ जाए तो कहानी कुछ आगे बढ़ेगी। सर, हाँ, मिल गया। ये देखिए, नवंबर 2016 में एक बोट ब्लास्ट हुई थी केरला में। सर, उस बोट में 4 जन थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी दिया और एक बोटमैन। बॉम ब्लास्ट में सर सारे लोग मारे गए थे, इस बोट वाले को छोड़ के। सर, ये तो मल्लिका है। मल्लिका? दिया? इसकी फैमिली में और कौन कौन? सर, माथुर फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी दिया और उसका भाई रतन। ये एक मिनट सर, ये उसकी फोटो है रतन की। ये तो वही आदमी है जिसकी मौत गोली लगने से हुई थी वेदांत के घर पे। लेकिन सर, गोली चलाई किसने? अब इन सारे सवालों का जवाब तो केरला जाके ही होगा। इस जाली को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा सुब्रमण्यम, बराबर इस रस्सी को लपेटना। जी, आप सुब्रमण्यम है? जी, सीएडी मुंबई। 1 साल पहले दिसंबर 2016 आपके कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में जानने आया। उसमें एक औरत, एक आदमी मारे गए थे और उसकी बेटी गायब हुई। आपका नाव वाला भी था ना उसमें? ना ना, नाव वाला? हाँ, आपका नाव वाला उस बोट में था ना? हाँ साहब, वो बोट वाला भी था। बहुत नुकसान हो गया मेरा, 3 लोगों का फैमिली आया था मेरा बोट भाड़े पर लेने के लिए। उनको वो आइलैंड पे जाने का था, अपने बंगले पे। सब अचानक ब्लास्ट हो गया, सब खत्म, मेरा बोट भी, मेरा नाव वाला कान। उस बेचारे का बहुत तकलीफ हो गया, आधा मुंह जल गया उसका। अच्छा, ये कान तभी कहाँ मिलेगा? अभी पता नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम वो किधर होएगा। इशारा किसे कर रहे थे? इशारा? ओ साहब, कौन है उधर? मैंने, ओ साहब, तो तुम हो हा? जो मल्लिका को मारना चाहते थे हा? और रतन को मारने के लिए वेदांत मेंशन में घुस गए थे, क्यों?
और वहां से भाग के यहाँ आ गया छुपने के लिए। नहीं, क्यों किया तुम ऐसा? बोल। नहीं नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं छिपने के लिए भी नहीं भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। अच्छा, रतन के मरने के बाद मुझे यहाँ आना ही पड़ा। आप अभी तक नहीं समझे, वो मल्लिका पूरी तरह पागल। वो मल्लिका खतरे में नहीं है, वो दिया खुद खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो? वो बेचारे तो बीमार है, अब तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। नहीं साहब, वो आपको बेवकूफ बना रही है। बोट पे क्या हुआ मैं आपको बताता। उस दिन जल्दी आना, जल्दी आओ वरना कैबिन में बंद करना पड़ेगा वापस से। क्या किया आपने? अपने माँ बाप को मार डाला। डियर मैडम, क्या किया आपने? कौन दिया मैं? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया दो लोगों को कभी नहीं छोड़ती, एक जो उसको कमरे में कैद करते हैं, दूसरा जो उसको बुरा काम करते हुए देखते। मुझे मत मारना। मैं तो बच गया, लेकिन बोट के जलने से मेरा चेहरा पूरा जल गया। फिर मैं रतन को मिलने गया जिसने उनका बोट का बुकिंग किया था। वो बोला कि किसी को बोलना नहीं कि एक बड़े हादसे में इनका सारा फैमिली खत्म हो गया। बड़ी आदमी है वो, पूरा बदनामी होगा उनका, इसलिए नहीं बोला। लेकिन ये किसके वजह से हुआ? वो माथुर साहब की बेटी दिया, उसके पागलपन की वजह से। पागलपन? हाँ, दिया जिसे आप मल्लिका समझते हो ना, उसका दूसरा रूप सोनिया, उसके अंदर खतरनाक पागल खूनी बसा है। सर मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी? अगर ये सच भी बोल रहा है तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि दिया के अंदर सोनिया, उसने रतन का खून किया है या नहीं। और अगर ऐसा है तो इस दिया के अंदर के सोनिया को किसी भी हाल में जगाना पड़ेगा। वेदांत, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाइए। अरे लेकिन आप लोग ही कर क्या रहे हैं? चला आप भी जाइए यहाँ से। लेकिन कुछ बताइए तो सी बात क्या? सब कुछ बताएंगे, मैंने कहा आप लोग यहाँ से जाइए अभी, प्लीज। चलिए बाहर, चल जाइए आप। नहीं नहीं, आपने आप बैठिए उधर। सर आप बैठिए इधर। वेदांत चलिए इधर बैठिए। क्या हुआ सर, सब ठीक है? हुआ नहीं, अब होगा। आज के बाद ना तुम वेदांत से मिलोगी और ना शायला से। सिर्फ इन दोनों से नहीं, तुम किसी से भी नहीं मिलोगी। हाँ,
लेकिन 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 छोड़ो, एक बात कान खोल के सुन लो सोनिया, ना तुम किसी से मिलोगी और ना किसी से बात करोगी, और हमारे परमिशन के बिना तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती, इस घर में कैद हो सोनिया। क्यों 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 नहीं जाऊंगी, जाऊंगी मैं, जरूर जाऊंगी, जाऊंगी बहुत, मत करो, जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, बहुत करो। आ जाना तो दूर, ये पानी पानी आ रखा है, हमारी मर्जी के बिना तुम ये पानी तक नहीं पी सकती, समझे? तू रोकेगा मुझे? तू असलियत है तुम्हारी। मैं कौन हूं? मैं थिया, मुझे बचा लो, मैं थिया हूं, प्लीज मुझे बचा लो। रतन को तुमने मारा ना, हाँ, ताकि वो वेदांत और शैला को तुम्हारी असलियत ना बता दे, क्यों? ये क्या कह रहे हैं सर? रतन, रतन यहाँ आया था, तो रतन की डेथ इसी घर में हुई है, मेरे घर में रतन की डेथ हुई है। चलो, बहुत परेशान करता था वो भी मुझे, काश उसको भी मैंने गोली मारी होती, कितना मजा आता, सब मर जाते मेरे हाथों, तुम सबको भी मैं मार डालूंगी। खोलो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे खोल दो, नहीं तो तुम सब मार दिए जाओगे। छोड़ दो ना दिया को, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। विदात, 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 I'm very scared, विदात, विदात कहाँ हूँ? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। खोल दो मुझे।
ये है वो गन जिससे गोली चली। अब अभिजीत तुम एक काम करो, ये गन लो, वहां सेकंड फ्लोर की ये जो विंडो है यहां पर जाकर के इसे गोली मारो। वहां से चमन को? अरे सर ये 9mm की गन है, अगर मैं खिड़की पे खड़े होकर इस डमी पे गोली चलाऊंगा तो गोली डमी तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाएगी, इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसको गोली लगेगी नहीं। अच्छा इसे गोली लगेगी नहीं, नहीं? ओके, इसको गोली वहां से लगेगी नहीं तो दया दया तुम एक काम करो, तुम यहीं से 7-8 फीट की दूरी से इसे गोली मारो। कम ऑन, अब साबित क्या करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? दया यही कि मलिका खतरनाक हो सकती है, खूनी भी हो सकती है, लेकिन उसने अपने भाई रतन को नहीं मारा। ये किस बेसिस पे तुमने कहा? मैं बताता हूँ दया, जब तुमने गोली मारी इसे तो ये गोली सीधी यहाँ घुस गई इसकी खोपड़ी में पीछे की तरफ। अगर ये गोली सेकंड फ्लोर से चलाई जाती तो जैसा अभिजीत ने कहा है अव्वल तो गोली यहाँ तक पहुँचती नहीं, बीच में गिर जाती, और अगर मान लो बहुत ही पावरफुल गन थी, गोली इसे लग भी गई तो गोली इसे ऊपर से नीचे की तरफ लगती, क्योंकि गोली का ट्रेवल होता यूं ऊपर से नीचे, लेकिन हमें जो जख्म मिला है वो एकदम सीधा मिला है, सीधा, इसलिए मल्लिका ने गोली नहीं चलाई। सर लेकिन अगर मल्लिका ने गोली नहीं चलाई है तो फिर किसने चलाई? ये गोली जिसने भी चलाई है वो यही था ग्राउंड फ्लोर पर इसके आसपास। मतलब सर वो पार्टी में मौजूद था? और अगर पार्टी में होगा तो पार्टी के कपड़े भी पहने होंगे, और अगर उसने गोली चलाई है तो उसके कपड़ों पे गन पाउडर भी होगा। करेक्ट। वेदांत वेदांत के दोस्त मल्लिका, शायला और वो जो दो नकली रिपोर्टर्स थे ना, उन सब के कपड़े लेकर आओ बिना बताए। बड़ा ही दिलचस्प केस साबित हुआ ये। शुरू में पता ही नहीं चल रहा था कि खूनी आखिर है कौन, लेकिन कहते हैं ना सच हमेशा सामने आ ही जाता है। कांत ने मल्लिका को डराया धमकाया ये सच है, और एक साल पहले मल्लिका ने अपने माता पिता की हत्या की ये भी सच है, लेकिन रतन का खून ना तो मल्लिका ने किया और ना ही कांत ने। रतन का खून उसने किया जो उसके करीब खड़ा था, उसके एकदम नजदीक, और उसने शुरू से हमें चक्रव्यूह में फंसा के रखा था और हम घूमते रहे। आखिर में अपने चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस गया। बहुत झूठ बोला उसने हमसे, बहुत झूठ बोला, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बहुत झूठ बोला तुमने वेदांत हमसे, लेकिन तुम्हारे कपड़ों ने सच बता दिया। हमें तुम्हारे कपड़ों पे से गन पाउडर मिला। मैंने ही रतन को गोली मारी। रिसेप्शन के एक दिन पहले उसका फोन आया था मुझे, और वो रिसेप्शन के दिन भी यहाँ पहुंचा। मैं उसे अकेले में मिलने गया, पता नहीं कैसे बेतुकी बातें कर रहा था, कह रहा था कि मल्लिका को दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, पता नहीं क्या बात कर रहा था। कहने लगा कि मल्लिका ने उनके माँ बाप को मारा और वो मुझे भी मारने वाली। बड़ा गुस्सा आया मुझे उस पर, जब मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसको कहा कि यहां से निकल जाए, तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं पुलिस में सब कुछ जाकर बता दूंगा। वो तो डर रहा था कि कहीं मल्लिका भी उसका खून ना कर दे। उसके बाद बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था कि मल्लिका पागल हो गई है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मल्लिका को कमर में बंद कर दो वरना वो सबको मार देगी। मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया उसके, और उसे कहा कि वो वहीं रुक जाए। उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, और वो रतन उसे पागल कह रहा था, उसे जेल भिजवाना चाहता था, सब कुछ खत्म हो जाता, मल्लिका की जिंदगी, मेरी इमेज, ये सब कुछ बना, सब खत्म हो जाता। वो तो मिस्टर वेदांत वैसे भी खत्म हो ही गई समझो,
और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम किसी का खून कर दोगे और तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी इमेज बनी रहेगी? मल्लिका और दिया ने यह जुर्म अनजाने में किया है, जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए यह जुर्म किया है, इसलिए मल्लिका असाइलम में जाएगी और तुम जाओगे जेल की सलाखों के पीछे। स्टॉप इट यार समीर, और कितने एक्सक्यूजेस दोगे तुम? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ रहे हो कि नहीं? ये सुनो बेबी, मेरा बस चले ना तो मैं अभी के अभी इसी वक्त तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। पर तुम तो जानती हो मेरे खड़ूस बॉस को, अगर मैंने कल रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अरे बेबी, तुम एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, बट मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, मान जाओ प्लीज। परसों मिले? हाँ परसों, परसों मॉम डैड आ जाएंगे। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वीकेंड में बाहर गए हुए हैं वो। अरे कोई नहीं, फिर नेक्स्ट वीकेंड मिल लेंगे। व्हाट यू से? तुम ना एक काम करो, नेक्स्ट वीकेंड के लिए ना एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, वही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। अरे टीना, अरे लिसन लिसन, गुड बाय। नेक्स्ट वीकेंड क्यों? मैंने तो इसी वीकेंड के लिए एक नई गर्लफ्रेंड खोज ली है। I am good. How are you? I've been waiting for this. मैं एक पहेली हूँ, मिलना इतना आसान नहीं। अरे अच्छा, अरे इतनी सारी फोटोज, और ये कहाँ की फोटोज हैं? अरे ये तो, अरे ये तो टीना के घर की फोटोज हैं। सुने इसे घर कैसे पहुंच गई? तुम टीना के घर पे क्या कर रही हो? रिप्लाई प्लीज। अरे ये सोने रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? आर यू देयर? सोनिया ने अगर सब कुछ बता दिया टीना को तो? अरे टीना, आंसर द फोन। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे टीना, आंसर द फोन यार, प्लीज आंसर द फोन। अरे ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक मिलना था क्या? ये समीर भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। उसे क्या लगता है मैं उसके बिना एंजॉय नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, जो मूवी उसके साथ देखने वाली थी खुद देखूंगी। सोनिया उसके घर क्या कर रही है? वो तो उसको जानती तक नहीं है। अगर उसने टीना को सब कुछ बता दिया तो? ओह माय गॉड, समीर के 8 मिस कॉल्स। अच्छा, मुझे मनाने के लिए कॉल कर रहा होगा, पर मैं भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, थोड़ा और टीज करूंगी इसे। हेलो टीना, क्या हुआ? नई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो वापस मुझे कॉल कर दिया? माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? तुम फोन क्यों उठा दी? कब से ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी? टीना ये मजाक का वक्त नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुम इसी वक्त अपने घर से बाहर निकलो, इसी वक्त। क्या हुआ समीर? अरे टीना तुम मेरी बात नहीं सुन रही, तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हारे घर पे कोई है क्या? समीर क्यों डर? हेलो टीना, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है?
ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? का निशान, ये हुआ क्या है यहाँ पे? हम दोनों तो दो दिन के लिए घर से बाहर गए हुए थे, पर हमें क्या पता था पीछे से ऐसा कुछ हो जाएगा। प्लीज मैम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। आपको किसी पे शक है? पता नहीं, उसकी तो किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, वो तो सबके साथ प्यार से रहती थी। लॉक टूटा हुआ है, जरूर वो खूनी, वो लड़की सोनिया यहीं से अंदर आई होगी। समीर एक बात बताओ, जब तुम टीना से बात कर रहे थे तो उसने कुछ कोई आवाज सुनी थी खिड़की टूटने की या कुछ ऐसी? नहीं सर। इसका मतलब सोनिया पहले से अंदर आके बैठ गई थी और टीना का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सोनिया से पहली बार कब और कहाँ मिले थे? पहले तो हम कभी नहीं मिले थे, कल पहली बार मिलने वाले थे सर। एक्चुअली अभी तक सिर्फ फोन में ही चैटिंग की थी हमने। क्या नंबर क्या है उसका? सर नंबर तो नहीं है सर। सर एक्चुअली फोन पे एक ऐप आता है चिट चैट ऐप, सो उसमें अनजान लोग एक दूसरे से बात कर सकते सर। वहीं पर सोनिया ने मुझे कुछ दिन पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी सर। तो क्या बात हुई थी तुम्हारी उसके साथ? सर कुछ खास नहीं, बस वही फिजूल की बातें जो दो अनजान लोग पहली बार जब मिलते हैं तो करते हैं ना सर, कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी हॉबीज क्या है वगैरह वगैरह। बस नहीं, तुम कह रहे थे कि उसने कुछ फोटो और वीडियोज भेजे थे, वो दिखाओ जरा। सर फोटोज तो नहीं है, वो सब डिलीट हो गई। सारे फोटोज डिलीट कर दी, वो मर्डर वाली भी? क्यों किया तुमने ऐसा? सर मैंने नहीं किया सर। ये जो चिट चैट ऐप है ना सर, इसकी खासियत यही है कि लोगों की प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए ये वीडियोस और फोटोज 10 सेकंड में अपने आप डिलीट हो जाती है इसमें। अच्छा, पर उसको टीना के घर का एड्रेस कैसे मिला? मालूम नहीं सर, सर क्योंकि मैंने तो सोनिया से टीना के बारे में कोई बात ही नहीं की। हो सकता है ये सोनिया टीना को पहले से जानती हो, पर उसे मारना था तो ऐसे भी मार सकती थी ना। उसके बॉयफ्रेंड से चैट करके उसको फोटो भेज के क्यों मारा? सर, समीर का लैपटॉप और फोन अच्छी तरह से चेक कर लें। सर मुझे और कितनी देर यहाँ रखेंगे? आपको सब कुछ तो सच सच बता दिया है। नहीं, सब कुछ नहीं बताया तुमने हमें। तुम्हारे लैपटॉप और फोन से तुम्हारी चैट हिस्ट्री मिल गई है। कहने को टीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम चैट किया करते थे। क्यों सर? सर वो तो बस ऐसे ही सर। बस ऐसे ही का क्या मतलब है? ऐसा ही है तुम्हारा प्यार, बस ऐसे ही? सर वो मेरी फ्रेंड्स है। देखो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में किसके साथ क्या संबंध है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? हमारा मकसद है टीना के खूनी को पकड़ना, बस। किसी पे शक है तुम्हें? हो सकता है कोई तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड जलन के मारे फोन कर दिया उसने। नहीं सर, ऐसा कोई लड़की नहीं करेगी, ये सब वो सोनिया की हरकत है। तो तुम सोनिया की स्केच तो बनवा सकते हो ना, चेहरा याद है ना उसका? सर स्केच क्यों, आपको मैं फोटो दिखाता हूँ ना। अरे तुमने तो हमसे कहा था कि सारे फोटोज डिलीट हो गए थे। सर सिवाय एक फोटो के, इस एक फोटो का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। सर फोन पास करेंगे प्लीज। सर ये देखिए, इसमें चेहरा तो ठीक से दिख नहीं रहा है, कोई और फोटो है? सर नहीं सर, सर एक ही स्क्रीनशॉट ले पाया था। वो क्या है ना कि आपने उसको बता दिया था कि मैंने उसकी फोटो का एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसलिए उसने मुझे बोला कि अगर मैंने उसकी दोबारा फोटो ऐसे सेव की तो अपनी फोटो नहीं भेजेगी। इस फोटो से ही काम चलाना पड़ेगा। किसी पार्टी में ली गई है फोटो, इस काले चश्मे वाले पे कुछ रिफ्लेक्शन तो है। शायद डीजे का नाम लिखा है।
डीजे कोबरा। डीजे कोबरा तो काफी पॉपुलर डीजे है, देश विदेश में काफी शोज करता रहता है। ठीक है, फिर पता लगाते हैं इसने आखिरी शो कब और कहाँ किया है। डीजे कोबरा का लाइव इवेंट था हमारे क्लब में 2 हफ्ते पहले। तो उस इवेंट में कोई भी आ सकता था टिकट वगैरह लेके? नहीं सर, ये इवेंट स्ट्रिक्टली ऑन इनविटेशन था, कुछ खास लोगों के लिए। खास लोग? और कौन है ये खास लोग? सर करीब करीब 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट है, वही लोग मौजूद थे। ये लड़की थी उस पार्टी में? सॉरी, इतने सारे लोग थे चेहरा भी याद नहीं है, पर हर एक गेस्ट लिस्ट की पूरी डिटेल है मेरे पास। उनकी फोटोज है? हाँ सर फोटोज है ना। गुड, वो लिस्ट चाहिए हमें। कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, मगर सॉरी मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अक्सर मुजरिम हमें पहले नहीं पहचानते मगर बाद में जिंदगी भर नहीं भूलते। सीआईडी? सीआईडी को मुझसे क्या काम? खून करोगी तो काम पड़ेगा ही ना। व्हाट नॉनसेंस, मैंने किसका खून किया? टीना का। कौन टीना? मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। अच्छा, सोनिया को तो जानती हो ना? अब ये सोनिया कौन है? सोनिया तुम हो। मैं अदिति हूँ। हाँ तुम अदिति हो मगर सोनिया बन के लोगों का खून कर रही हो। समीर नाम के एक लड़के के साथ चैटिंग कर रही हो ना चिट चैट पे, और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया। चिट चैट? मैं वहाँ चैटिंग क्यों करूंगी? मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, वो एप्लीकेशन तो सिंगल लोग यूज करते हैं। बस बस बहुत हो गया, ये कौन है, है? ये तुम्हारी फोटो नहीं है? हाँ मगर ये आपके पास कैसे आई? तुमने अपनी ये फोटो समीर को भेजी थी चिट चैट पे। नहीं सर, ये फोटो तो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी कुछ दिन पहले, देखिए। शायद यहाँ से किसी ने फोटो ले ली होगी और मेरे नाम पे चैटिंग करके टीना का खून कर दिया। तुम्हारा अकाउंट तो प्राइवेट है, तुम्हारे दोस्तों के अलावा ये फोटोग्राफ और कोई नहीं देख सकता। शायद किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया हो। अच्छा, सब पता चल जाएगा। खूनी या तो तुम हो या फिर तुम्हारे ये जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स है ना उनमें से कोई। खैर, अगर आप सच बोल रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप सावधानी बरतेंगी इंटरनेट पे अपने फोटोज अपलोड करने से पहले। यस सर। तुमसे चैट करते हुए काफी टाइम हो गया, आई थिंक वी शुड मीट अप। गॉड, ये फोटो कब ली होगी और इसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला और तुम कर क्या रहे थे मेरे घर में? ओह माय गॉड, ये फोटो तो अभी की है, मतलब वो यहीं कहीं पर है।
हूं। मेरा नाम शीतल है और इसका नाम विशाल। नताशा मेरी रूममेट थी, हमारे घर में पार्टी थी, आज हम बस उसी की शॉपिंग करने गए थे और वापस आके देखा तो नताशा टीना की तरह इसका भी गला दबाया गया है और टीना की तरह इसके पैर पे भी जख्म है। नताशा से किसी की कोई दुश्मनी? नताशा तो बहुत अच्छी लड़की थी, भला उसका कैसे कोई दुश्मन हो सकता है? अक्सर अच्छे लोगों के ज्यादा दुश्मन होते हैं समाज में। नताशा के पास सिर्फ यही फोन था या कोई और भी नंबर था उसका? नहीं मैम, उसके पास सिर्फ एक ही फोन था। कुछ मिला क्या? हाँ सर, सर मरने से ठीक पहले नताशा चिट चैट ऐप पे एक लड़के से चैट कर रही थी। सर नताशा ने बताया था कि आजकल वो किसी लड़के से बात कर रही है और वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी बन गया था। आज तो वो उसे डिनर पे भी बुलाने वाली थी और सर आज वो दोनों पहली बार मिलने वाले थे। ये टीना और नताशा के खून में कुछ कनेक्शन लगता है यार। हम नताशा का कमरा देख सकते हैं? शायद खूनी का कोई सुराग मिल जाए। नताशा की फोटो समीर के साथ। सर मैं जानता हूं कि इन फोटोज को देखकर आपका शक मुझ पर और भी बढ़ेगा, पर मेरा यकीन मानिए मैं मुजरिम नहीं हूं सर। तो हम इन फोटोज का क्या मतलब निकाले? टीना और नताशा दोनों को एक साथ धोखा दे रहे थे तुम? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है सर। नताशा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसका कई साल पहले मेरे उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है सर। कमाल की बात है ना, सिर्फ उन्हीं लड़कियों का खून हो रहा है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मगर नताशा और टीना भी तो एक दूसरे की फ्रेंड्स थी, ऐसा भी तो हो सकता कि उनका कोई कॉमन एनिमी हो। एक मिनट, तुमने बोला कि नताशा और टीना दोनों दोस्त थी? हाँ सर, हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना, हमारा ग्रेजुएशन भी एक ही साथ हुआ है और उसके बाद नताशा मेरा ब्रेकअप हो गया। ये टीना और नताशा कॉलेज के बाद भी एक दूसरे के टच में थे क्या? मालूम नहीं सर, शायद नहीं, क्योंकि टीना ने कभी भी मुझे बताया नहीं कि वो नताशा से बात करती है या नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है जिसकी नताशा और टीना दोनों से दुश्मनी? सर मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन कर सकता है। कॉलेज के दिनों में कुछ हुआ हो, कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से ये खून हो रहा है? नहीं सर, सर कॉलेज हमारा बहुत अच्छा बीता था सर, उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसे सर। ठीक है, दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा याद करना कॉलेज का एक एक दिन, और अगर कुछ याद आ जाए तो हमें बता देना, हम फिर मिलेंगे तुमसे। जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है, देखा कॉलेज का नाम लेते ही कैसे पसीने छूट गए उसके। ये बात तो है, नजर रखनी पड़ेगी इस समीर पे। रेडी? आप अंकश टैप कर रहे हो ना समीर का फोन? हाँ सर, लेकिन अभी तक कुछ खास पता नहीं चला। सुनते रहो, एक एक कॉल को ट्रैक करो, कभी ना कभी अपने अतीत के कॉलेज वाले पन्ने को जरूर खोलेगा वो। बेटी को भी लगा दिया समीर के घर के बाहर, नजर रखे हुए समीर कहाँ जा रहा है। सर ये अपने कोई कॉलेज के दोस्त से बात कर रहा है। स्पीकर पे। हेलो चेतन। हाँ समीर, इतने दिनों बाद याद कैसे आ गए तुझे हैं? चेतन लगता है तू आज भी अखबार नहीं पढ़ता, नताशा और टीना का खून हो गया है। क्या, मगर कैसे?
और किसने किया ये खून? क्या तुझे नहीं पता कि खूनी कौन हो सकते? भूल गया 4 साल पहले नताशा की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था? ओह नो यार, अगर वही है खूनी फिर तो अगला नंबर हमारा होगा यार। पता नहीं यार, अब करें तो क्या करें? सीआईडी वाले भी आए थे पूछताछ कर। तूने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं यार। अच्छा किया, एक काम करते हैं, मिलके बात करते हैं एमके मार्केट 3 बजे, ओके? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। समीर के कॉलेज के टाइम में जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कॉलेज का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये लोग नताशा के बर्थडे पार्टी की बात कर रहे थे ना, वो भी जरा जाओ नताशा की मीडिया प्रोफाइल पे, देखो कुछ साल पहले इसकी बर्थडे पार्टी का कोई पोस्ट है क्या वहां पे? सर ये 4 साल पुराना पोस्ट मिला है नताशा के 21वें जन्मदिन का। यहाँ पर टीना है, समीर भी है और ये लड़का चेतन भी टैग्ड है जिससे शायद समीर बात कर रहा था। जरा ये कमेंट तो देखें, पता तो चले क्या हुआ था पार्टी में। ये देखा, ये किसी प्रिया ने लिखा है। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी, तुम पछताओगे सब। और इसके इस पोस्ट का सब लोगों ने मजाक भी उड़ाया है, तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए और पार्टी में नहीं आना चाहिए। सर कहीं ये सब प्रिया ने तो नहीं किया अपने अपमान का बदला लेने के लिए? हो सकता है। पूर्वी, इस प्रिया का लोकेशन पता करो, तब तक हम एमके मार्केट में जाके इस समीर और चेतन के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है वो देखते हैं। और हम लोग मिलते हैं इस प्रिया से। हाय चेतन। हाय समीर, कैसा है? अरे ये सब क्या हो गया, दो दो खून? यार मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद हैरान हूँ। हैरान तो हम भी हैं, दो दो खून हुए हैं, वो भी ऐसी लड़कियों के जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। आप यहाँ? सर ये मेरा दोस्त चेतन है। सर एक्चुअली हमारा साथ में मूवी देखने का प्लान था। मूवी तो हम भी देखने आए, वो मूवी जो 4 साल पहले रिलीज हुई थी नताशा के जन्मदिन पे, कुछ याद है या वो भी याद दिलाऊं? हैं? प्रिया जी, आप लोग सीआईडी, आपके कॉलेज की 2 लड़कियों का खून हो गया है, टीना और नताशा। सर मुझे पता है, मैंने पढ़ा था पेपर में उनके बारे में। और क्या जानते हैं आप, किसने किया होगा ये? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने किया? What? आप लोग मुझ पे इल्जाम भी कैसे लगा सकते हैं? मैं क्यों किसी का खून करूंगी? 4 साल पहले नताशा की पार्टी में क्या हुआ था? सर जो कुछ भी हुआ हो, पर मैंने किसी का खून नहीं किया। खून किसने किया है किसने नहीं ये कानून तय करेगा, समझिए आप? पार्टी में क्या हुआ था ये बताइए। सर मैं तो उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड सिमरन वो मुझे जबरदस्ती नताशा की बर्थडे पार्टी में लेकर गई थी लोनावला। सिमरन हम लोग वापस चलते हैं ना यार, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? वैसे भी लोग हमारे दोस्त नहीं, कितना मजाक उड़ाते हैं हमारा, प्लीज चलना वापस। अरे अब आ गए हैं तो केक खा के ही जाएंगे ना, चलना। एंजॉय योरसेल्फ। हाय नताशा। ओ हाय सिमरन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच यार, सो गुड टू सी यू। हैप्पी बर्थडे नताशा। थैंक यू। अच्छा बताओ क्या पियोगी, कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ और? नहीं नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक। समीर कम हियर। या टेल मी, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक ला दो ना प्लीज। ओके एंड व्हाट अबाउट यू? सेम मेरा जैसा। श्योर ओके। वैसे सिमरन आशा तो बहुत हॉट लग रही है। अरे हमारी सिमरन तो हमेशा ही सुंदर लगती है। और नहीं तो क्या, मैंने बस ऐसे ही पहन लिया तो रुकना क्या। अरे सिमरन चलो ना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। किससे? वो देख से? Yes. चल चल। मैं कैसे? चल ना, चल। आरव अंदर वेट कर रहा है तेरा। एक बात बता, तुझे आरव पसंद है ना? नहीं नहीं, मैं शर्मा क्यों रही है? तुझे पता समीर ने मुझे बताया कि आरव आल्सो लाइक्स यू। सच्ची? मुच्ची? सिमरन चलना यार यहाँ से, बहुत लेट हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। अरे प्रिया रुकना, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे।
चलो लिसन, तुम्हें जाना है तो जाओ, वो नहीं जाएगी। तुझे रहना तू रहे, मैं जा रही हूँ। फिर वहां से मैं अकेले ही चली गई। उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर रात को सिमरन का कॉल आया था मेरे पास। हेलो हेलो प्रिया, और वो बहुत रो रही थी तो मैं उसे वहां लेने गई थी। प्रिया प्रिया उसके बाद सिमरन ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं करी। वहाँ क्या हुआ था, वो क्यों रो रही थी, कुछ नहीं पता। उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी सर। सर एक्चुअली उस रात सिमरन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, और सर उसके बाद वो आरफ के पास गई उसको प्रपोज करने के लिए। मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी रूबी, दिल करता है तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं। वन सेकेंड आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम भी मुझे पसंद करते हो, हम शादी कर लेते हैं। अरे आउट ऑफ योर माइंड, और किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अरे तुमसे प्यार व्यार तो दूर, मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की भी लायक नहीं समझता, सो प्लीज। तुम मुझे अपनी दोस्ती के लायक नहीं समझते, देख लेना एक दिन ना तुम्हें भी इसी तरह प्यार में कोई धोखा देगा, और तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार का दर्द क्या होता है। प्यार का दर्द, उफ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा हिंदी फिल्म देखती हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको रुलाऊंगी, मैं देख लेना। और सर फिर ऑब्वियसली सब लोग हंसने लगे, तो उसने अपना कॉलेज चेंज कर दिया। सर मुझे लगता है कि शायद सिमरन ही हम सबसे बदला ले रही है, और कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। सिमरन से भी मिलना पड़ेगा। सर ये सिमरन का घर तो यही है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? सिमरन से, सिमरन यही रहती है ना? आप लोगों को नहीं पता, उसकी तो एक हफ्ते पहले ही डेथ हो गई। क्या? मगर कैसे? दरअसल वो डिप्रेशन का शिकार थी और उसने आत्महत्या कर ली। वैसे आप लोग कौन? मेरी सहेली थी वो। अच्छा, डिप्रेशन का इलाज चल रहा था क्या उसका? जी हाँ, डॉक्टर रेणुका से, जानी मानी साइकाइट्रिस्ट है। पिछले 3 साल से सिमरन मेरे पास आ रही थी, लेकिन अफसोस अंत में वो इस बीमारी से हार गई। वो एक अनाथ बच्ची थी, उसे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार की चाह थी, लेकिन आरव के हादसे के बाद वो उससे उबर ही नहीं पाई। उसने आपको कभी बताया कि क्या हुआ था उस पार्टी में आरव के साथ? सिमरन ने हर डिटेल शेयर की थी मेरे साथ। मैं जा रही हूँ। प्रिया के पार्टी से जाने के बाद उन लोगों ने सिमरन के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी, और फिर उसके साथ एक बेहद ही भद्दा मजाक किया। योर ड्रिंक। थैंक यू। जल्दी पी, फिर अंदर जाना है। चल 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 ना, जा अंदर, आरव वेट कर रहा है अंदर तेरा, गो। सिमरन सिमरन संभालो। सिमरन, मैं हमेशा से ही तुम्हें एक बात कहना चाहता था। तो बोलो ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।
मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। तुम्हें तुम्हें कुछ अलग ही बात है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्या? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल और सबसे ज्यादा तुम्हारा ये क्यूट सा चेहरा। सच? तू क्या दिखता है मेरी आंखों में? तुम्हारी आंखें चीन से भी ज्यादा गहरी हैं। Really? झील सी गहरी तो नहीं लेकिन इसकी आंखें मेंढक जैसी जरूर हैं। और तुम्हारे बाल जैसे मकड़ी का जाला। और इसका चेहरा, यू नो व्हाट सिमरन, अगर मेरा चेहरा तुम्हारी तरह होता ना तो मैं रोज अपने घर का शीशा तोड़ता। बात अगर यही खत्म हो जाती तो शायद सिमरन को इतना बड़ा धक्का नहीं लगता, लेकिन उन लोगों ने तो सिमरन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। जब दो दिन बाद वो कॉलेज गई तो मेंढक जैसी आंखें और मकड़ी के जाल जैसे बाल। सिमरन एक बार फिर से आरव को प्रपोज करो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। सर, सिमरन मर चुकी है तो ये सब कर कौन रहा है? जो भी है, ये जो सिमरन की मां का बदला ले रहा है उसका अगला निशाना आरव ही लगता है। अरे हाँ हाँ, मेरी तरफ से ये डील पक्की समझिए। और देख लेना, इस डील से मुझे और आपको, हम दोनों को ही बहुत फायदा होगा। ठीक है? अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। सर, आरव को बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मैम। आंचल, आरव को कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज अपने आप को संभालो प्लीज। एक बात बताओ, आरव से आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी? कल रात को, जब वो ऑफिस से निकल रहा था, उसने मुझे कहा वो बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं पहुंचा। इनफैक्ट उसके बाद से उसका फोन ऑफ आ रहा है। सर, सर, आरव की गाड़ी मिल गई। और आरव मिला या नहीं? नहीं सर, उसकी कार लावारिस पड़ी हुई थी बीच के पास की सुनसान सड़क पे। आरव का मैसेज आया, लेकिन ये चिटचैट पे मैसेज क्यों कर रहा है? ये तो वीडियो मैसेज है, ये तो थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा, इसको रिकॉर्ड कर लो पूर्वी। हालांकि मरना तो सबको है, और क्या क्या पाप किए हैं तुमने बताओ। मैं खूनी हूँ, सिमरन नाम की एक मासूम लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने उसका अपमान किया, उसे सताया, उसे टॉर्चर किया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी, उसकी आत्मा तक को घायल किया, और सिर्फ उसे ही क्या, उस जैसे न जाने कितने लोगों को चीजों की तरह इस्तेमाल किया। अचल, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैडी के पैसों के लिए तुमसे शादी कर रहा था। तुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है मैंने जिसमें धीमा जहर है, ये जहर धीरे धीरे नसों के जरिए तेरे शरीर में फैल जाएगा। हालांकि आरव ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया है ना। प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए। जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाना होगा जहाँ पे आरव को इस खूनी ने रखा हुआ है। ये वीडियो फिर से चलाना, जा देखें। सिमरन नाम की एक मासूम लड़की। सर, वीडियो में तो कुछ भी नहीं। मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। यार ये अपमान किया, एक मिनट की टॉर्चर किया। ये पीछे पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग कहीं देखी है इस केस में? यार याद आया, एक मिनट।
ये देखो, नताशा ने जहां पे अपना जन्मदिन मनाया था वहां पे ठीक यही पेंटिंग है। इसका जन्मदिन तो लोनावाला में मना था ना, यानी खूनी अराव को वहीं पे ले गया जहां से ये सब शुरू हुआ था, लोनावाला। चल रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। पूर्वी, एम्बुलेंस को फोन कराओ। सर। शान, तुम क्यों किया तुमने ये सब? सर, सिमरन और मैं पहली बार इंटरनेट पे मिले, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर वो अपने पुराने जख्म नहीं भुला पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगाने की, पर उसके पुराने जख्म इतने गहरे थे वो उसे ले डूबे। इसीलिए आत्महत्या के बाद तुमने उन सभी लोगों को मारने की ठान ली जिसकी वजह से सिमरन ने आत्महत्या की थी। सिमरन को मौत के घाट उतारने के बाद वो सब लोग अपनी जिंदगी में मस्त होके जी रहे थे, ये कहां का इंसाफ है? इसलिए मैंने ये फैसला किया कि इन सबको सजा दूंगा मैं। सिमरन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, गलत था। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत है, कानून और इंसानियत दोनों की नजर में। क्या फर्क रहा तुम में और उनमें? उन्होंने भी एक मासूम की जिंदगी छीनी और तुमने भी वही किया। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुमको। हालांकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी अच्छी चीजें हैं, इन्हें किसी भी लिहाज से बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी भी तकनीक का सही और गलत इस्तेमाल करना वो हमारे हाथ में है। और आजकल इस तरह के कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस के युवाओं की इंटरनेट पे रैगिंग की जा रही है, उन्हें बुली किया जा रहा है, सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। कभी किसी के मोटापे का मजाक उड़ रहा है तो कहीं कोई इंटरनेट पे धमकी दे रहा है। अगर आप भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ऐसे दुर्व्यवहार के शिकार हैं तो अकेले इस घुटन में बिल्कुल मत रहिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। माँ बाप, टीचर्स, दोस्त और कानून भी आपकी मदद के लिए हमेशा आपके साथ है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.